चले आइए सिवान शहर स्थित डीएवी कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में। नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7000। नमस्कार, मैं हूं सोनल गुप्ता। बिहार न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। सिवान के महाराजगंज में बीते शाम व्यवसायी की चाकू मारकर हुई हत्या से भड़के लोगों ने शव को माझी बरौली पथ के नखास चौक पर रखकर जमकर नारेबाजी की। आक्रोशित लोगों ने बाजार के सभी दुकानों को बंद करा दिया और साथ ही डीएम और एसपी के साथ डीआईजी को बुलाने और हत्यारों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने की मांग कर रहे हैं। बता दें कि महाराजगंज में व्यापारियों से रंगदारी मांगने के बाद बीती शाम को स्वर्ण व्यवसायी की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्या के बाद व्यवसायी में आक्रोश व्याप्त हो गया। वहीं जब शव पोस्टमार्टम के बाद आया तो सभी व्यवसायी अपनी सुरक्षा को लेकर आक्रोशित हो गए। सूचना मिलते ही पूर्व विधायक हेम नारायण शाह आक्रोशित लोगों से मिलने पहुंचे और इस घटना में शामिल अपराधियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने की प्रशासन से मांग की। राजगंज में आए दिन ऐसी अपराधी घटना घट रही है, क्या तो यही प्रशासन से मांग करेंगे कि जो भी अपराधी है उसे गिरफ्तार किया जाए, उसको जेल भेज दिया जाए। वहीं आपकी पार्टी की सरकार है और सरकार दावा करती है कि अपराध मुक्त बिहार बनाएंगे और ऐसी घटनाएं अपराध मुक्त बिहार तो बंद नहीं पड़े बल्कि घटनाएं दिन प्रतिदिन सिवान जिला में हर जगह बढ़ती ही जा रही है। देखिए, हम तो विधायक नहीं हैं लेकिन सरकार हमारी है, लेकिन हमारे सरकार में जो भी दोषी होता है, जो भी हत्यारा होता है, जो भी गलत करता है वो जेल के अंदर होता है। ऐसा नहीं कि कोई हत्या करके अब बाहर घूमता है, ऐसा नहीं होता है। इसका भी हम प्रशासन से मांग करते हैं कि चाहे जो भी दोषी है तो नेम्ड एफआईआर हो गया है, उसको तुरंत पकड़ करके उसको जेल के अंदर। जैसे महाराजगंज में तीन व्यापारियों से रंगदारी मांगी गई, कल बीती रात शाम में हत्या हो गई व्यापारी की। इसकी सूचना हमको नहीं है कि कई आदमी से रंगदारी मांगा गया है, ये हम नहीं जानते हैं। लेकिन अगर जो मांग जिससे रंगदारी मांगा जा रहा है वो जाकर एफआईआर करे, पुलिस कार्रवाई करेगी। आज जो आप महाराजगंज बंद करा रहे हैं बाजार में, बाजार का जुलूस निकाल के रूप में, आखिर इसका प्रयोजन क्या है? प्रयोजन यही है कि महाराजगंज में दिन पे दिन व्यवसायियों का सर नीचे होते जा रहा है और वो अपने स्वेच्छा से नहीं जी पा रहे हैं। और दूसरा चीज़ कि कभी रंगदारी कभी मर्डर, ये कब तक चलते रहेगा? आज आप रोड पोतर के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आखिर कारण क्या है? ये लगातार महीने दिनों से अपराधी घटना बढ़ गई, रंगदारी के मांग को लेकर, जान से मारने की धमकी को लेकर। यही घटना हमारे भाई के साथ हुई, व्यवसायी भाई के साथ हुई है, रंगदारी न देने के वजह से वो अपने उसका मर्डर का शिकार हो गया वो बंदा। अपराधियों ने किया यह घटना। क्या जो मर्डर हुआ है बिट्टू का, क्या उनसे अपराध रंगदारी मांगी गई थी? रंगदारी मांगी गई थी उनसे। तो इसमें प्रशासन के क्या कहा आप लोग इस विषय में? प्रशासन से कहा गया, प्रशासन से बहुत पहले से हम लोग कहते आ रहे हैं, एफआईआर भी पहले कर चुके हैं। यहाँ पर महाराज में अपराधी घटना बढ़ गई, रंगदारी की मांग बढ़ गई, जान से मारने की धमकी दी जा रही है व्यवसायी ऊपर, आयु घटना हमारे भाई पर हुई गई। शिक्षा एवं समाज में बेहतर काम के लिए आइकॉन ऑफ बिहार से सम्मानित, गुरु सम्मान से सम्मानित सिवान के प्रसिद्ध केमिस्ट्री टीचर संजीव कुमार मिश्र द्वारा संचालित संस्कार केमिस्ट्री क्लासेस में आज ही नामांकन कराएं और पढ़े केमिस्ट्री की बेहतरीन पढ़ाई। अगर आपको करना हो जेईई पीएमटी 11वीं और 12वीं की पढ़ाई तो आज ही ज्वाइन करें संस्कार केमिस्ट्री क्लासेस। पता है आर्य समाज मंदिर कैंपस, डीएवी कॉलेज मोड़ सिवान, और दूसरा ब्रांच है
VMHE स्कूल के सामने JK कॉन्वेंट कैंपस महादेव में। संपर्क नंबर है 7909087935, 9973017626। पिछले 10 सालों से सिवान में सबसे बेहतरीन केमिस्ट्री में रिजल्ट देने वाली संस्था है। यहाँ से लड़के केमिस्ट्री में बिहार और CBSE बोर्ड में 95-96 मार्क्स तक प्राप्त किए हैं। ये संस्था बच्चों को 11-12 के साथ साथ JEE और नीट के प्रिपरेशन के लिए प्रतिबद्ध है और प्रत्येक साल हजारों की संख्या में बच्चे यहाँ से लाभान्वित होते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में करियर बनाना हुआ आसान, बने इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक अधिकृत। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार, निम्स इलेक्ट्रो होम्योपैथी कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल, साथ ही कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के इलाज कराने के लिए अब आपको बड़े शहरों में जाकर भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके अपने शहर सिवान में कैंसर का सफल इलाज होता है। जी हाँ, डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज के यहाँ हर्बल से निर्मित इलेक्ट्रो होम्योपैथी द्वारा कैंसर जैसी बड़ी और खतरनाक बीमारियों का सफल इलाज किया जाता है। सभी प्रकार के कैंसर की बीमारियों में सफलतापूर्वक इलाज के लिए आज ही संपर्क करें डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज, सिसवन ढाला, लक्ष्मीपुर, सिवान। संपर्क नंबर है 9472250677।